दोस्तों रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी 2 के दूसरे हफ्ते के वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान घर वालों पर बरसते दिखाई दिए। उन्होंने आकांक्षा परी और जैद हदीद के किस वाले मसले पर भी दोनों को खूब लताड़ा था और साथ ही बेबिका ध्रुवे को अपना पुट्ठा दिखाने के लिए भी जैद हदीद को सलमान खान ने भर भर कर खरी खोटी सुनाई। तो वहीं संडे वाले एपिसोड में सलमान खान ने फलक नाज पर जमकर अपना गुस्सा उतारा और फुकरा इंसान उर्फ अभिषेक मल्हान की परवरिश और परिवार के बारे में बोलना उनको काफी महंगा पड़ गया। देखिए बिग बॉस ने घर वालों को शिकायतें पर्चे पर लिखने के लिए कहा था और इसी पर सलमान खान ने घर वालों से बात की, लेकिन पहले जैद हदीद को उनकी हरकतों के लिए अगले हफ्ते के लिए नॉमिनेट भी कर दिया गया है। और फिर शो के होस्ट सलमान खान ने घर वालों की शिकायतों को आमने सामने किया और फिर सलमान सबसे पहले अविनाश सचदेव की शिकायत का पूछते हैं, जिसमें अविनाश ने पूजा का जिक्र किया है और बताया है कि वो डोमिनेटिंग है और दूसरों से सॉरी चाहती है लेकिन खुद नहीं बोलना चाहती है। इसके बाद सलमान खान ने साफ किया कि अविनाश ने पूजा से ये बात डायरेक्ट क्यों नहीं की। देखिए अविनाश ने कहा कि उन्होंने लिखा है लेकिन उनसे बोला नहीं है। सलमान ने कहा कि उन्होंने अपने रिश्ते बनाए रखने के लिए बोला नहीं और अब लिखने को बोला गया तो उन्होंने भड़ास निकाली है, जबकि उनको पूजा से डिस्कस करना था। उनको बताना था कि आपको उनकी कुछ बातों से इरिटेशन होती है और आप दूसरों पर अपने ओपिनियन को थोपती हैं। और उसके बाद सलमान खान ने पूजा से भी अविनाश की बातें क्लियर करने के लिए कहा। इसके बाद जिया के बारे में भी लिखी गई शिकायतों को भी बताया और उसमें अविनाश ने जिया को बुद्धू बताया। फिर सलमान खान ने बताया कि अविनाश ये शो सिर्फ देखने आए हैं, इसलिए अविनाश को एक घर के ऐसे कोने में भेज दिया जाए जहाँ से वो पूरे घर को देख सकते हैं, क्योंकि उनको गेम खेलना आता ही नहीं और ना वो खेलना चाहते हैं। मतलब कि दोस्तों जमकर सलमान खान ने अविनाश सचदेव की क्लास लगाई है, क्योंकि अविनाश सचदेव गेम कम खेल रहे हैं और चुगली चाटे ज्यादा कर रहे हैं। मतलब ऐसे में तो अविनाश सचदेव को सलमान खान अगर दो चार चाटे भी मार देते तो वो भी कम ही होता। बाकी दोस्तों अगर आप भी बिग बॉस को फॉलो कर रहे हैं और बिग बॉस ओटीटी को रेगुलर देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अविनाश सचदेव की फटकार सलमान खान ने सही लगाई या गलत। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।